अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं एक नए शो के साथ हाज़िर हूँ, आपकी होस्ट और शेफ़ हिरा मन्नान। चलिए देखते हैं नाज़रीन, आज हम क्या बनाते हैं। लेट्स चेक आउट द इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, आज हम बना रहे हैं शेज़वान सॉस और उसके साथ 3 लेयर चॉकलेट डिज़र्ट। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ शेज़वान सॉस के। हम चूल्हा जला लेंगे और इसमें पहले हम तेल गरम करने को रख देते हैं ताकि तेल इतने हमारा हीट हो जाए, और मैं फिर हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने यहाँ पर ली है देगी मिर्च, जिसे हम कहते हैं कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, देगी मिर्च भी कहते हैं, और इसके साथ लाल चिल्ली, ठीक है, होल रेड पेपर और ये देगी मिर्च, ठीक है, पेपरिका भी इसे हम बोलते हैं। अच्छा, देगी मिर्च को मैंने बॉईल कर लाल चिल्ली के साथ जो है वो अच्छे से रख लिया है यहाँ पर। अच्छे से आपको बॉईल करना है, उसका पानी थोड़ा सेव कर देना है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप इसी को दोबारा लाइक आप जब ब्लेंड करें तो उसमें यूज़ करें। इसके साथ हम इसमें बहुत सिंपल 5 इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें हमें चाहिए सोया सॉस, ब्लैक क्रश पेपर, थोड़ा सा केचप, सिरका, और मेन इंग्रेडिएंट है इसका लहसुन को अच्छी तरह हम चॉप कर लेंगे लाइक लहसुन। ठीक है, चलें अब हम अपने बनाने की तरफ चलते हैं। हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे जो यहाँ पे हमने चॉप लहसुन का बिल्कुल चॉप लहसुन लिया था वो। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने देगी मिर्च ली है आधा पाव, तो आधा पाव के लिहाज से मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भरकर, और तकरीबन 1 चाय का चम्मच आप डाल दें इसमें। और इतने में अपनी देगी मिर्च को जो मैंने बॉईल कर ली और ब्लांच कर ली है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो मैंने पानी यहाँ पर सेव किया हुआ था ऑलरेडी, वही पानी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। कोशिश करें वही आप गर्म पानी यूज़ करें, इसमें एक्स्ट्रा कोई और पानी मत यूज़ करें, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर अरोमा होता है जो आप देगी मिर्च लेंगे उसका, तो ये वही अरोमा एनहेंस करेगा आपका। अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, तो आप उसमें वही सेव वाटर रखें, ठीक है, वही आप उसमें ऐड करें, और कोई एक्स्ट्रा पानी मत ऐड करिएगा इसमें। ये देखिए, हमने इसमें सारा वो पानी ऐड कर लिया, वहाँ पर हमारा लहसुन अच्छे से इतने कलर, वो जैसे ही लहसुन कलर चेंज करेंगे उसमें तब डालेंगे, इससे पहले आप मत डालिएगा क्योंकि उसमें बहुत लहसुन का कच्चा पानी रह जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें बेसिकली 1.5 टेबल स्पून डालती हूँ, आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी मिर्च अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ठीक है, हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, मैं बेसिकली देगी मिर्च का और जो शेज़वान सॉस है उसमें केचप का ही टेस्ट शुगर के लिए इन्हेंस करती हूँ, उसका बहुत ज़्यादा तीखापन एक हटाने के लिए। इसकी बेसिकली शुगर कंसिस्टेंसी या इसको मीठा नहीं करेगा, इसका जस्ट फ्लेवर बैलेंस करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर देखिए गोल्डन टाइप हो गया, और इसमें हम अब डालेंगे मिर्च का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, इसको हम इतना कंबाइन करेंगे अंटिल के पूरा कलर लाइक इसका यकजान हो जाए, और ये कलर पूरा एकदम छोड़ दे लाल, जो तेल का कलर है वो भी लाल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारा इतने शेज़वान सॉस और ये पक रहा है, हम आते हैं अपने चॉकलेट डिज़र्ट की तरफ। अच्छा, चॉकलेट डिज़र्ट के इंग्रेडिएंट जो हैं वो हैं, सबसे पहले आपको लेनी है चॉकलेट चॉप्ड, उसमें मैंने कॉफ़ी के इसको गर्म पानी में बिल्कुल मिलाकर अच्छे से लाइक डाइल्यूट कर लिया था वो, और इसमें हम डालेंगे बिस्किट्स। मैं यूजुअली आप लेडी फिंगर यूज़ कर सकती हैं, मैं यहाँ पर लेडी फिंगर शेप के बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ, और कॉफ़ी, और हमारा मेन इंग्रेडिएंट है ऑलपर्स, ठीक है, बेसिकली हम इसे ऑलपर्स से बनाएंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने चॉकलेट बॉईल करने को के लिए। हम डबल बॉयलर पे एक पैन में हम पानी ले लेंगे, और उसके बाद हम उसमें एक बोल रखेंगे जो कि हमें एज अ डबल बॉयलर का काम देगा।
मैंने इसमें चॉकलेट डाल दी है और ये अच्छे से यहाँ पे जब हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा इसी के साथ हमारी चॉकलेट मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, जैसे कि मैं ये बेसिकली UHT टेस्टेड है, 28 क्वालिटी टेस्ट ऑल पर इस पर परफॉर्म हुए हैं ताकि ये आपको अपनी फुल क्रीमी एनर्जी जो मिल्क कंसिस्टेंसी है और मिल्क है वो आपको प्रोवाइड करे। हम इसमें बेसिकली क्रीम को हम थोड़ा थिकन करने के लिए इसमें और मज़ीद ऑल पर ऐड करेंगे, बस इतना कि हमारी क्रीम कम्बाइन हो जाए और इसमें हमारी ऑल पर की न्यूट्रिशन ऐड हो जाए। देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे से प्रॉपर हो गई है, मेल्ट हो गई है। इसमें हम आई थिंक और चॉकलेट ऐड करते हैं। मेरे पास यहाँ और चॉकलेट का बार है, मुझे लगा थोड़ी स्टिल ये बहुत ज़रा थिन हो रही है तो मैं इसमें और चॉकलेट ऐड करूँगी फॉर द थिकन कंसिस्टेंसी। यूजुअली आप इसको बहुत माइनर लाइक चॉप चॉकलेट ऐड करेंगे क्योंकि अभी मुझे फ़ौरन ऐड करनी है तो मैंने इसको लाइक तोड़ के ऐड किया, लेकिन अगर आप चॉप ऐड करेंगे इसमें फ़ौरन हो जाएगी, और लाइक अगर आप चॉप नहीं करेंगे कंप्लीट बार रखेंगे इट टेक टाइम्स टू मेल्ट। अच्छा, हमारी यहाँ पर इतने चॉकलेट अच्छे से हो गई है, हम इसे ठंडा करेंगे। इसको आप इतना मिलाएं कि इसमें जितने भी लम्स हैं और इसमें जितने भी चॉकलेट के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से सब मेल्ट हो जाएं। अच्छा, ये आपको डबल बॉयलर पर ही करना है काम, ये आप यूजुअली नॉर्मल पैन में इस तरह नहीं कर सकते वरना आपकी चॉकलेट मेल्ट तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो और हाँ, अगर आप इसमें ऑल पर्पस की क्रीम ऐड नहीं करेंगे लाइक मिल्क ऐड नहीं करेंगे तो भी ये मेल्ट नहीं होगी क्योंकि इतनी थिक रहेगी ना कि जलना स्टार्ट हो जाएगी रादर देन मेल्टिंग। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर हमारे शेज़वान सॉस ने जितना भी हमारा ये चिल्ली है इसने तेल अलग कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें, अच्छा सोया सॉस अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं ज़्यादा, फिर आप इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे। अगर आप इसमें केचप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें शुगर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस की कंसिस्टेंसी ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होती है, लाइक वाटरी होती है, और इसको मज़ा जो है इसको बहुत सॉल्टी होता है। तो अगर आप इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे ज़्यादा और नमक भी ऐड करेंगे आपका नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो मैं इसमें जस्ट सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और नमक नहीं ऐड कर रही। केचप और आज हम तेज़ कर देंगे, अच्छे से इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे और सबसे आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे सिरका जब ये सब चीज़ें यकजान हो जाएंगी। तो अच्छा, मैं इतने चॉकलेट निकाल के ठंडा करती हूँ, इसको अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के ताकि अच्छी हो जाए और ज़रा थिक हो जाए। इतने हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, अपना सॉस में डिश आउट करूँगी सिरका डालकर और हम फिर दोबारा आते हैं, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद मी, बाय। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं, मेरी चॉकलेट यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और साथ में मैंने इसमें ऐड किया था डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और ऑल पर्पस का दूध। इसको अच्छे से निकाल लेंगे सारा। चलिए जी, ये हमारी एकदम हॉट नहीं है, ये थोड़ी कम हो गई है, लाइक बिल्कुल एकदम हॉट नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गई है क्योंकि हमें इसकी असेंबलिंग करनी है तो हम इसको एकदम हॉट नहीं शामिल करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर मेरी चॉकलेट थोड़ी और थिक हो गई, मैं इसको थोड़ी और थिन कंसिस्टेंसी करने के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ ऑल पर्पस की क्रीम। मैं यहाँ पे ऑल पर्पस का मिल्क नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने पकने में यूज़ कर लिया है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड यूज़ करूँगी ताकि इसका थोड़ा भलाई टेक्स्चर भी रहे ऑल पर्पस की क्रीम का और ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक भी हो, थिन भी हो जाए।
आप इस पे अकॉर्डिंग टू यू डालिएगा, लाइक आपको जितना चॉकलेट थिन पसंद है या थिक पसंद है। मुझे बिल्कुल थोड़ा वाटरी, थोड़ा रेबन टेक्सचर में पसंद है, तो मैं इसको डाल दूँगी। और अच्छे से डाल के आप अच्छे से मिक्स करें कि इसके क्रीम का कुछ वाइट पार्ट दिखे ना, क्योंकि बेसिकली हम चॉकलेट डिज़र्ट बना रहे हैं, हम मार्बल नहीं, इसका नेम रखे हैं मार्बल नहीं है ये टेक्सचर प्रेजेंटेशन में। ये देखें अच्छे से हमारी हो गई है, इतने हमारी क्रीम थोड़ी और ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर होती है कि हम उसे असेंबलिंग से पहले रखें। इतने में यहाँ पर शेजवान सॉस आउट कर देती हूँ सारा। ये हमारा एकदम पक्के रेडी हो गया है। अच्छा, प्याले में डालने से पहले मैंने इसको थोड़ा चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा रखा था कि लाइक मैं शीशे के प्याले में ऐड कर रही हूँ तो मेरा प्याला फटे ना। अच्छा, ये हम बेसिकली ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक ये स्टोर कर सकते हैं शेजवान सॉस। ये इंडो चाइनीज़ कुजीन्स का मेन इंग्रेडिएंट है, आप ये समझे मेन सॉस है। एनी इंडो चाइनीज़ कुजीन कंप्लीट इसके बगैर नहीं होती है, कोई भी इंडो चाइनीज़ कुजीन, ठीक है। लाइक वो इसमें इस तरह यूज़ करते हैं कि हम लोग लाइक नमक या पाकिस्तानी कुजीन्स में नमक या चीनी यूज़ हो रही होती है, सॉल्टी चीज़ों में, मिर्चे वाली चीज़ों में नमक और मीठी चीज़ों में चीनी यूज़ हो रही होती है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, और जो इसका ऑयल है वो आप ज़रूर इसमें डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑयली है तो हम इसमें ऐड नहीं करें, बेसिकली इसका ऑयल जितने दिन रखा रहेगा उसका कलर ही और इन्हेंस करेगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी चीज़ में शेजवान सॉस ऐड कर दें, जैसे कि मैं प्लान कर रही हूँ कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में शेजवान चिकन बनवाऊँगी या शेजवान राइस बनवाऊँगी, तो उसमें भी इवन के एज इट इज़ यूज़ हो सकता है। इसके अलावा वेजिटेबल के अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करें, तो ये इट्स कम्प्लीट सॉस इट्सेल्फ, इट्स कम्प्लीट सॉस। इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। चले जी, हमारा सॉस यहाँ पे रेडी है, बहुत बहुत अच्छी, बहुत मिर्चों की, बहुत तीखा सॉस है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, ठीक है। हम एक क्लीन बोल, क्लियर बोल ले लेते हैं। अच्छा, हम बेसिकली क्रीम को और थिक करने के लिए और ठंडा करने के लिए, मैंने इसको क्रीम को फ्रीज़र में अपने रखा था, लेकिन मैं इसको थिक और ठंडा करने के लिए इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करूँगी, ताकि मेरी क्रीम ज़रा एकदम से बिल्कुल चिल्ड हो जाए, ताकि मेरा डिज़र्ट बहुत टेस्टी लगे। मैं यहाँ पे एक ऑलपर्स की क्रीम और उसमें डाल रही हूँ एक बर्फ, और उसको मैं अच्छे से 1 or 2 आइस क्यूब्स में डाल रही हूँ, और इसको मैं बहुत अच्छे से बीट करूँगी। ठीक है, इतना अच्छे से बीट करूँगी कि जो उसके लम्स है, लाइक मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ तो उसके जो लम्स हैं वो बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए और ये बेसिकली एकदम चिल्ड हो जाए। इसमें मैं यहाँ पे वाटर आइस यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लाइक ऑलपर्स के दूध को आप फ्रीज कर सकते हैं और उसके बाद उसका आइस क्यूब बना सकते हैं। तो ये कि जो वाटरी टेक्सचर, अगर नई क्रीम कंसिस्टेंसी का पसंद आ रहा तो आप मिल्क कंसिस्टेंसी का रख सकते हैं, ठीक है। देखें हमारा, अगर ये देखिए अच्छे से हमारी यहाँ पर ये थोड़ी थिन भी हो गई है और अच्छे से बिल्कुल यकजान हो गया। आइस क्यूब्स उठा के हम डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, और हम जस्ट इसकी क्रीम यूज़ करेंगे। ये देखें आइस क्यूब्स हमने यहाँ पर ये डिस्कार्ड कर दिए। चलिए नाज़रीन, अब हम आते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। अच्छा नाज़रीन, हम इसको असेंबल करने से पहले अपना काउंटर क्लीन कर लेते हैं, जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसको हटाते हैं, और इसके बाद हम अपनी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ भी कुछ स्वीट या डिज़र्ट बना रही हूँ वहाँ मेरे पास कोई भी सॉल्टी या सॉसी इंग्रेडिएंट्स ना हो, क्योंकि समटाइम्स उनका अरोमा पार्टिकल्स या कोई स्पून आपने यूज़ किया हुआ होता है वो इसमें अगर आप गलती से शामिल कर लेते हैं आपकी पूरी रेसिपी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सच में डिस्ट्रॉय हो जाती है।
अच्छा, अब हम बना रहे हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे ले रहे थे चॉकलेट सॉस, ठीक है, जो कि हमने डबल बॉयलर को पे मिल्क के साथ अच्छे से बॉईल कर लिया था। इस पे हम ले रहे हैं कॉफ़ी, जो कि हमने गर्म पानी में अच्छे से घोल ली थी, और हम यहाँ पे ले रहे हैं बिस्किट। चलें जी, अब हम आते हैं, हम कॉफ़ी के अंदर अपने बिस्किट्स को डिप करेंगे और उसकी असेंबलिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर पे हम लगाएंगे बिस्किट्स। नीचे वाली लेयर पे आपके बिस्किट्स, अगर ये इट्स अप टू यू कि आप कौन सा बोल ले रहे हैं, मेरे बेसिकली डीप बोल है नीचे से, तो मैं उसको पूरा डीप पैन को अच्छे से साइड्स भी उसकी कवर कर दूंगी, ताकि मेरी लेयरी बड़ी, जो लेयरिंग्स हैं वो बड़ी परफेक्ट हो। अच्छा, अब जैसे बिस्किट वैसे डालते हैं कॉफ़ी में तो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएंगे, फ़ौरन ही टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट विल ईजी टू असेंबल। चलें, नेक्स्ट लेयर हम डालेंगे जो यहाँ पे मैंने थिकन की है क्रीम उसकी। और उसके बाद हम सबसे टॉप लेयर डालेंगे अपनी चॉकलेट की। कोशिश करिएगा डबल लेयरिंग आप नहीं करें, क्योंकि वरना चॉकलेट की लेयर डबल लेयरिंग इज़ लाइक कि आप उसको मार्बल नहीं करें, क्योंकि हमारा बिल्कुल सेपरेट डिज़र्ट है, तो उसको दोनों की कंसिस्टेंसी, दोनों का फ्लेवर दिखना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पर हमारा चॉकलेट डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है और हमारा शेज़वान सॉस भी रेडी है। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, घर पे ज़रूर बनाइएगा, उसके बाद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। कहीं मत जाइएगा, पूरा रमज़ान मेरे साथ रहिएगा। स्टे विद मी, योर शेफ हिरम अन्नान।